इश्क के लिए हमें कभी ना कभी कोई ना कोई तप करना पड़ता है, और जब हमने कोई विशेष तप किया होगा तब ये संगति हमें मिली है, और आज ये सौभाग्य हमें मिला कि 7 दिन हमारे निरंतर निरंतर बिना किसी विघ्न के, अविरोध के, रुकावट के पूरे हो गए। भगवान ने अपने काम को बड़ी सहजता से पूरा किया है। आज मैं आपको ज्ञान तो क्या दूंगा, 7 दिन हो गए मुझे, तो जो कहना था कह लिया, क्योंकि मैंने रात को घोषणा की थी कि मैं आज श्रीमद् भागवत कथा का फल प्रदान करवाऊंगा ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि बंबई वासियों ने बड़े ध्यान से, मन से, धन से कथा का श्रवण किया है और बहुत ही सहयोग किया है उन्होंने गौचार्य का, इसलिए उन्हें भर भर झोली फल प्राप्त हो, उनकी सब कामनाएं पूरी हो, उनके घर में स्वर्ग की स्थापना हो, बच्चों को बुद्धि प्राप्त हो, स्त्रियों को सम्मान प्राप्त हो और पुरुषों को बल प्राप्त हो। आज का मेरा पहला संदेश, करो संगति साधु की जो हरत कोटि अपराध, ये पहला संदेश है। इसे जरा लिख लीजिए और रोज पढ़ने का सुबह सुबह, इसमें क्या लिखा है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जैसे मनुष्य का जीवन दुर्लभ होता है, जैसे आकाश को छूना दुर्लभ होता है, जैसे सूर्य को निगलना दुर्लभ होता है, जैसे पृथ्वी को उठाना निर्बल होता है, वैसे ही साधु संगति करना भी दुर्लभ होता है, हरि कथा सुनना भी दुर्लभ होता है। भगवान की कथा के लिए कितनी अड़चने आती हैं। साधु का साथ करना तो सब चाहते हैं, पर आदमी को अड़चन इतनी है कि वो साधु साथ नहीं कर सकता। अभी तुम में से एक आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ रहना पसंद ना करे। तुम्हारे सबके दिल कुदक रहे कि महाराज का हमें मिलना ही चाहिए साथ, पर बड़ी अड़चन तुम्हें संसार में पकड़े बैठी है, और उन अड़चनों से, उन अविरोधों से आपका दुर्भाग्य जागता है, भाग्य फूटता है। आप चाहते हो कि हम रोज गंगा नहाएं, पर बड़ी दूर है गंगा, कैसे नहाएंगे। हमारी इच्छा है हनुमान जी की तरह हम भी सूर्य को गाल में रख लें, पर हम तो हनुमान नहीं है, कैसे रख पाएंगे, क्योंकि हनुमान तो एक ही हुआ। और सूर्य को गाल में रखने का ओशी को वरदान, हमको ये अवसर मिलेगा, ये वरदान मिलेगा, पर उसके लिए हमें भी तपस्या तो करनी पड़ेगी, राम चरणों में जाना पड़ेगा, राम सेवा में जाना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी का कोई एक जन्म का तो नहीं है ये। हनुमान जी ने कितने जन्मों तक ये सत्कर्म किया, तब उन्हें ये सामर्थ्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने अग्नि को गाल में रख लिया। तो दो बातें हैं, सूर्य को गाल में रखने का अर्थ होता है ज्ञान की बात बोलना। ये जो सूर्य आकाश में दिखता है ना, इसको हनुमान जी ने गाल में नहीं रखा। सूर्य का दूसरा नाम नारायण है, हनुमान जी के मुख में हर समय नारायण रहते थे, गाल में राम रहते थे, जन्म निकला मां के पेट से और जन्म लेते से ही उन्होंने नारायण को मुंह में रखा, क्योंकि उन्होंने वरदान प्राप्त किया था मां के पेट में कि जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं केवल राम का ही नाम जपूंगा। और हनुमान जी की तरह मां के पेट में ये सब हम वायदे पूरे सब लोग करते हैं, जितने भी जीव पैदा होते हैं मां के पेट में सेम टू सेम वचन भरते हैं हनुमान जी वाला। बाहर निकलते ही प्रभु हम तुम्हारा नाम भजेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे, हमारे मुख में सिवाय तुम्हारे नाम के और कुछ नहीं रहेगा, हमारा मुख हर रोज यही बोलेगा। पर जब हम बाहर आते हैं तो कई लोगों को अपनी स्मृति रहती है पिछले जन्म की, और बहुत से लोगों को नहीं रहती है। तो पांडाल में जो लोग बैठे हैं इनको अपना पिछला जन्म मालूम नहीं है। इससे पहले आप किसके घर में थे, आपका क्या रूप था, क्या नाम था, आप नहीं बता सकते। और जब बता नहीं सकते इसीलिए आप अपनी मां के पेट में क्या क्या करके आए हो वो भी नहीं बता सकते।
क्योंकि वो सब भूतकाल का है, गया हुआ समय। हनुमान जी को ये सब याद था, इसलिए हनुमान जी ने राम सेवा पकड़ी, सूर्य को, ज्ञान को, प्रखरता को, प्रकाश को, नारायण को अपने गाल में रखा। तो शास्त्र ने कहा हमारे जन्म के कोटि कोटि अपराध अगर हमें यूं ही छोड़ना हो तो किसी सत्पुरुष की संगति में आ जाओ, साधु की संगति में आ जाओ, हमारे कोटि कोटि अपराध वहीं छूट जाते हैं और हमें सज्जनता का, साधुता का श्रृंगार प्राप्त होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गंदे चरित्र से, विचार से लाचार है, पर बड़े बड़े साधुओं के साथ रहते हैं तो साधुओं जैसा ही उन्हें सम्मान प्राप्त होता है, साधुओं जैसा भोजन मिलता, साधुओं जैसा घर मिलता, साधु जैसा मान मिलता, और उनमें गंदगी की कोई कमी नहीं है, पर साधु की संगति करते इसलिए उनके सारे अपराध रोज छूटे जा रहे हैं, क्षमा किए जा रहे हैं, क्षमा किए जा रहे हैं। क्योंकि बड़े के साथ रहने से आदमी गलतियों को कम देखता है कि यह गलती हो रही है इस आदमी से, तुम अकेले रहो और गलती करो पकड़े जाओगे, और किसी बड़े व्यक्ति के साथ रहो गलती करो पकड़े नहीं जाओगे, लोग देखेंगे टाल देंगे, देखेंगे टाल देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे लोग। इसलिए ऐसे बड़े के साथ रहो जहां से हमारा अपराध कम होता चला जाए, क्योंकि हमसे तो होता है अपराध, हमारा जीवन तो गलतियों का बहुत बड़ा भंडार है। क्योंकि ईमानदारी से कहना चाहता हूं, तुम्हारा जब जन्म हुआ तुम्हारे माता पिता की कोई इच्छा नहीं थी तुम्हें पैदा करने की, पर हो गए पैदा, माता पिता की गलती है, और गलती से कोई काम होता है तो वो गलती होता है, ये समझ लो। तो अपन गलती से पैदा हुए हैं ऐसा समझो, पर कभी कभी आदमी गलती करके भी अपने आप को समझता है, संभालता है, और गलती करके जो खुद को संभालता है वही इंसान बनता है। याद करो वसर गलती का पुतला है, वसर शब्द जो है ये पारसी भाषा का है, बसर गलती का पुतला है, वर्ष माने तू, बसर माने तू होता है, तू तू गलती का पुतला है, वसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। हमारा पूरा जीवन दोष से भरा है, देखो जिस शरीर में मल भरा है, मूत्र भरा है, जिसमें कफ भरा है, थूक भरा है, जिसमें गंदे कीड़े भरे, जिस शरीर के अंदर दुनिया भर का रक्त भरा है, मांस भरा है, याद करो हमारे शरीर में से रक्त निकलकर बिस्तर पर गिर जाता है तो बिस्तर कितना गंदा लगता है, हमारे शरीर में से रक्त निकलकर फर्शी पर गिर जाए, मार्बल पर गिर जाए तो कितना बुरा लगता है, तो वो बुरा रक्त तुम्हारे शरीर में दौड़ता है। इसीलिए तुम खुद को अच्छा समझने की कोशिश मत करो, याद करो तुम्हारे पेट में जो बांस रहती है अगर वो बांस जब बाहर आती है तो खुद को भी चैन नहीं पड़ता है, तो अपने को कैसे हम समझे कि हम महान हैं। इसीलिए धरो संगति साधु की, साधु की संगति में जाओ, क्योंकि साधु के शरीर जो तपस्वी रहता है, जिसके पास ब्रह्मचर्य है, आचरण है, उसके पसीने से गंध नहीं आती है, उसके पसीने से क्या कस्तूरी की सुगंध आती है, ब्रह्मचर्य से जिनके शरीर में वीर इकट्ठा हो जाए तो उनकी बदबू खत्म हो जाती है, और जिनके शरीर में से वीर चला जाए उनके शरीर में बदबू आ जाती है, यह ध्यान करो। तो ज्यादा बास उनके शरीर में से आती है जो शरीर को ज्यादा लिप्त करते विषयों में भोगते, याद कर लो शराब नहीं पिएंगे तो शराब की बास नहीं आएगी, तम्बाकू नहीं खाएंगे तो तम्बाकू की बांस नहीं आएगी, अगर तुम विषय नहीं करोगे तो पसीने की बांस नहीं आएगी, पसीना तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा अगर तुम्हारे पास में आचरण है, संयम है, सदाचार है। तो इसलिए महाराज कहते हैं धरो साधु संगति, सज्जन की, साधु की, गुरु की संगति कर लो, जिससे कि तुम्हें इत्र मिले, सुगंध मिले, यशस मिले, बांस से तो तुम घबराए हो, अगर तुमने साधु संगति कर ली